नमस्कार, विद्यात मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुमान सीदवे और मेरे साथ है पूजा त्रिपाठी। भारतीय बाजार के लिए सोमवार की शुरुआत बेहतरीन होती हुई नजर आई। बैंक्स एंड फाइनेंशियल या यूं कहें बैंक निफ्टी की बदौलत बाजार में अच्छी खासी मजबूती और चौतरफा मजबूती के बीच इस वक्त हमने देखा कि यहाँ पर खासा एक्शन ना दिन की शुरुआत से लेकर अब तक कायम है। बाजार की बड़ी बातें आपके सामने रखते हैं, उसके बाद मिड कैप में कहां पर मौके हैं, बाजार पर स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे और साथ ही कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर प्ले आउट करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड स्तर पर बैंक निफ्टी ने आज बढ़िया तेजी के साथ शुरुआत की। 6 महीनों के बाद नए शिखर पर पहली बार हमने 44,400 के दर्शन बैंक निफ्टी में। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे 44,400 के पार करीब 400 अंकों की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस बिल्कुल कायम नजर आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे लगातार तीसरे दिन हम देख रहे हैं 18,600 के पार निफ्टी में भी बैंक निफ्टी की ही तरह मजबूती छाई। ऑफकोर्स आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी की तरफ से है, लेकिन निफ्टी में भी काफी हद तक अच्छा एक्शन आप देख पाएंगे। तो क्लियरली इंडेक्स स्पेसिफिक मार्केट जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव, काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर मिड कैप की बात करें, यहां पर भी हरियाली खरीदारी के साथ करीब 170 अंकों की तेजी हम देख चुके हैं। मिड कैप इंडेक्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर, और वहीं रिकॉर्ड ऊंचाई के साथ साथ कई सारे स्टॉक्स भी हैं जिन पर आगे हम बातचीत करेंगे मिड कैप में, ब्रॉडर इंडेक्सेस में, जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। अब आइए सेक्टोरल सपोर्ट की अगर बात करें, मेटल, सरकारी बैंक और एफएमसीजी से बाजार को सबसे ज्यादा इस वक्त सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। वैसे देखें तो हर पॉकेट, हर सेक्टर में अच्छा एक्शन है, लेकिन ये सेक्टर्स हैं जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं वॉलिटिलिटी की अगर बात करें, इंडिया विक्स अब भी 3% के ऊपर है, यहां से कंसर्न कह सकते हैं। लेकिन अब देखिए 4.5% की बढ़ोतरी यहां पर 12 के पार इंडिया विक्स इस वक्त नजर आता हुआ। इंडिया विक्स वॉलिटिलिटी ऑफकोर्स छाई हुई है और इस वॉलिटिलिटी में जो मजबूती है इस पर नजर रखनी चाहिए एज अ कंसर्न। लेकिन इसके अलावा बाजार की दशा दिशा जो है काफी पॉजिटिव नजर आती हुई। ठीक है, चलिए तो बात हुई बाजार की बड़ी बातों की, करंट एक्शन हमने आपके सामने रखा, लेकिन अब एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ इक्विटी 99 के राहुल शर्मा जुड़ चुके हैं और सबसे पहले उनसे समझ लेते हैं 3 घंटे का ट्रेड। राहुल, थैंक यू सो मच जीना स्वदेश को समय देने के लिए। तो पहले तो बाजार पर आपकी राय लेना चाहेंगे। यहाँ पर आज हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में तो रिकॉर्ड लेवल्स छू ही चुके हैं, अब निफ्टी के छूने का इंतजार है। 100-120 अंक मात्र दूर रह गए हैं। हम क्या लग रहा है आपको, ये लेवल्स आज के आज मिल पाएंगे या फिर थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा? क्या लेवल्स आप वॉच करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में? जी गुड आफ्टरनून पूजा। देखिए, बहुत ही शानदार हफ्ते की शुरुआत हुई है और जिस तरीके से निफ्टी ने जो आज लेवल्स को छुआ है 18,640, काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग सेशन है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग हो रही है और अच्छे ब्रेकआउट्स पे टेक्निकल बेसिस पे हम उनको देख पा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे हो सकता है कि ऑन दी अपर साइड, क्योंकि जैसा भी हमने मार्केट अभी तक वॉच करे हैं, ऑन दी अपर साइड कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आता है, कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिलती है। तो हमें देखना होगा अगले 1 से 2 घंटे के अंदर किस तरीके से मार्केट इस चीज़ को लेता है, और आने वाले सेशंस में अगर ये कंटिन्यूड रहता है तो मुझे लगता है कि फर्दर मोर हम यहाँ से और जो अपने इसके प्रीवियस हाई से करीबन 18,800 की तरफ मार्केट को जाता हुआ देखेंगे। बैंक निफ्टी जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आज है, करीबन 1% की बढ़त ऑलरेडी ले चुका है, और एक ब्रेकआउट के बाद में बैंक निफ्टी अपना आज की रेट में ट्रेड कर रहा है 44,400 के आसपास। और मेरा मानना है कि ये जो सेटअप है यहाँ पे निफ्टी के अकॉर्डिंग और भी ज़्यादा मजबूत है। अगर आप डेली चार्ट्स पे अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे आपको एक बैंक निफ्टी बेहतरीन ब्रेकआउट बनता हुआ दिखेगा, जो कि गैप अप ओपनिंग के साथ में सस्टेन भी कर रहा है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे मजबूती और भी अच्छी तरीके से बनी रहेगी, और जिस तरीके से सेक्टोरियल वाइज अगर हम देखें तो वहाँ पे बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल सर्विसेज या पीएसयू बैंकिंग बास्केट बहुत ही अच्छी तरीके से आउटशाइन कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि मजबूती आपको आने वाले दिनों में और कंटिन्यूड होती दिखेगी, और मुझे लगता है कि कुछ नए लेवल्स आपको मार्केट में बनते हुए दिखेंगे इसी हफ्ते के अंदर। बिल्कुल। और राहुल, इसके अलावा ये तो बात हुई रणनीति की, लेकिन इसके अलावा आपके तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या होंगी आज के लिए?
जी बिल्कुल। देखिए सबसे पहले मैं श्रीराम फाइनेंस को यहाँ पे देख रहा हूँ, जो कि 1405 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो वो एक निचले स्तर करीबन 1320 1300 के आसपास से एक रिट्रेस हुआ था, और वहाँ से एक लगातार हम पिछले 4-5 सेशन में इसमें अच्छी बाइंग देख रहे हैं। वॉल्यूम्स भी काफ़ी बेहतर हो चुके हैं और इन मौजूदा स्तर पर ये एक ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है स्टॉक। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर आपको अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा, इसलिए 1450 के लक्ष्य के लिए मैंने श्रीराम फाइनेंस को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे सेटअप बहुत स्ट्रांग है और मेरा मानना है कि आपको बहुत जल्द इसमें अच्छे रिटर्न्स बनते हुए देखेंगे, इसलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस का ध्यान रखना होगा 1390 का, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि ऑन द अपर साइड रहते हुए थोड़ा सा करेक्ट होने की कोशिश करे या फिर प्रॉफिट बुकिंग आए। तो 1450 के लिए आप श्रीराम फाइनेंस में ट्रेड कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1390। सेकेंड सिलेक्शन है नाम इंडिया, जिसको हम निपॉन के नाम से भी जानते हैं, जो कि 243 244 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए यहाँ पे भी सेटअप बहुत बढ़िया है, ऑलरेडी स्टॉक ने 3-3.5% के गेन ले चुका है। पिछले पूरे महीने से पूजा हम यहाँ पे देख रहे थे कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन चल रही थी, जिसका आज के दिन ही ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे निवेश करने की सलाह है नाम इंडिया के अंदर, जो कि करीबन 250 रुपये मुझे लगता है ऑन द इमीडिएट बेसिस आपको आते हुए देखेंगे। 237 का यहाँ पे रखना होगा स्टॉप लॉस। ये राहुल शर्मा की तरफ से उनके स्टॉक स्पेसिफिक रेकमेंडेशन श्रीराम फाइनेंस और नैम इंडिया पर नजर रखें। उम्मीद करते हैं टारगेट स्टॉप लॉसेस भी आपने यहाँ नोट डाउन किए हैं, लेकिन मिड कैप में मेगा एक्शन और साथ ही कौन से थीम्स हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए, आइए मिड कैप के मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स आपके सामने रखते हैं, उसके बाद थीम्स भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ब्रॉडर इंडेसेस में काफी कुछ है जिस पर नजर होनी चाहिए। अब देखिए नतीजे रिजल्ट सीजन लास्ट लेग में है, लेकिन कई सारे नंबर्स आ रहे हैं और कई सारे नंबर्स जो है उसी का एक इम्पैक्ट है जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं स्टॉक में एक मूवमेंट के तौर पर। सिटी यूनियन बैंक नतीजों के बाद भारी पिटाई होती हुई दिखने को मिली है, ऑफकोर्स नंबर्स का ही इम्पैक्ट है, नेट इंटरेस्ट इनकम में कमजोरी थी और इसी कमजोरी से दबाव यहां पर आप आज के सत्र में स्टॉक में देख रहे हैं। बैंक फाइनेंशियल्स में एक्शन है, लेकिन इसके बावजूद इस स्टॉक में रिजल्ट का इम्पैक्ट है जो कि नजर आ रहा है। इसके अलावा ग्रीन लैम और साथ ही अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी नजर रखें। ग्रीन लैम अच्छे नतीजों के चलते हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती है, Q4 में इनके मुनाफे यानी कि प्रॉफिट्स की अगर बात करें 77% के अपूर्व थे, जिसका सीधा असर आप स्टॉक प्राइस में आज के सत्र में देख रहे हैं। वहीं आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में भी मुनाफा करीब 71% बढ़ा, वहीं आय की अगर बात करें यानी रेवेन्यूज के फ्रंट पर भी 18% की बढ़ोतरी थी। तो क्लियरली रिजल्ट स्पेसिफिक इंपैक्ट अब भी बाजार में नजर आ रहा है और इन तमाम स्टॉक्स पर रिजल्ट्स के चलते आज नजर रहेगी, इस पर विस्तार से आगे भी बातचीत करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे थीम्स हैं मिड कैप में, कई सारी खबरें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। और हाँ, ये भी जान लीजिए कि मिड कैप इंफ्रा स्टॉक्स, मिड कैप आईटी स्पेस, मिड कैप बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में भी काफी हद तक एक्शन डेवलप होता हुआ दिख रहा है। तो कौन से हैं मिड कैप के लगाज, कौन से मिड कैप के बजिंग स्टॉक्स और साथ ही थीम्स कौन से, साथ ही खबरें भी हमें बता रही हैं आज अशेषा। गुड आफ्टरनून अशेषा, बताइए आपकी लिस्ट में सबसे पहले तो मिड कैप के गेनर्स, लूजर्स और साथ ही थीम बेस्ड स्टॉक्स बताएं आप। हाय, गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले मिड कैप गेनर्स की बात करेंगे तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, इसके साथ ही साथ REC लिमिटेड, मैक्रोटेक डेवलपर्स और निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट में भी काफी तेजी देखने को मिल रही है। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो GMR इंफ्रा, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज जो रिजल्ट्स के दम पर आज अंडर फोकस है, और अरबिंदो फार्मा के भी नतीजे आए थे काफी वीक थे और उसी के चलते स्टॉक में दबाव देखने को मिल रहा है। CG पावर की बात करें तो उसमें भी काफी एक्शन आज के ट्रेडिंग सेशन में है। इसके अलावा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं तो ICICI लॉम्बार्ड, उसमें करीब करीब 7% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रहा है। ICICI बैंक अपना स्टेक बढ़ाना चाहता है ICICI लॉम्बार्ड में, करंटली उनके पास 48.02% स्टेक है। RBI के रूल्स के मुताबिक कंपनी 30% से कम रख सकती है या 50% से ज्यादा स्टेक रख सकती है। अभी कंपनी के पास 48.02% स्टेक है और कंपनी ने बताया कि ICICI बैंक अब स्टेक बढ़ाना चाहती है, करीब करीब 2.5% तक कंपनी स्टेक बढ़ाएगी 9 सितंबर के पहले। ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के द्वारा ये डील होगा और इसी के चलते स्टॉक में आज तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा ग्रीव्स कॉटन की भी बात कर लेते हैं, स्टॉक में करीब करीब 8% का डिक्लाइन आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रहा है। कंपनी की एक मटेरियल सब्सिडरी है जिसने फेम के गाइडलाइंस फॉलो नहीं किए, जिसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने कहा कि उनका जो लाइसेंस है फेम के अंतर्गत उसको ड्रॉबैक कर दिया जाएगा, जिसके चलते स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने ऐसा भी बताया कि अब तक जो इंसेंटिव कंपनी ने एंजॉय किया है करीब करीब 124 करोड़ का, वो वापस डिपॉजिट करना पड़ेगा, जिसके चलते इस स्टॉक में आज गिरावट देखने को मिल रही है। बिल्कुल आशीषा, शुक्रिया आपका, ये सारी की सारी डिटेल्स
शेयर करने के लिए। तो मिड कैप में काफ़ी सारे थीम्स हैं, काफ़ी सारी खबरें हैं और सीधी नज़र राहुल जा रही है रियल एस्टेट पैक पर। मैक्रोटेक डेवलपर्स लोढ़ा को देखें, करीब 3-3.5% तक की तेज़ी यहां पर नज़र आ रही है। और इसके अलावा भी रियल एस्टेट के लिए तो बात यही कही जा रही है, चाहे फिर बड़ी दिग्गज कंपनियाँ हो, छोटी मझौली हो, रियल एस्टेट स्पेस पूरा सेक्टर ही एक अपसाइकिल की तरफ बढ़ता हुआ। और इनफैक्ट हमने पिछले कलेक्शन फिगर्स हों, चाहे फिर पिछले कई सारे रिजल्ट्स की अगर बात करें, खबरों की बात करें, इन दिनों इस सेक्टर में काफी अच्छा मूव देखा भी और आगे भी। इनफैक्ट बाजार के बड़े दिग्गज एक्सपर्ट्स का भी बस भरोसा इस स्पेस पर कायम है। अब मिड कैप स्पेस में जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं, इसमें कहीं पर कोई आपके हिसाब से निवेश का नजरिया या फिर उन्हें पोजिशनल बेसिस शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव भी सही, अगर आपकी राय कोई बनती हो? जी बिल्कुल मानसी, देखिए डेफिनेटली जो जिस टाइप का जो यहाँ पे बाइंग हो रही है या फिर आप कह सकते हैं कि एक सेक्टोरियल शिफ्ट हमको देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन कंपनीज या फिर रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। बट स्टिल जो कन्विक्शन जो बैठ के आता है वो कहीं ना कहीं एक बड़े दिग्गज कंपनियों के साथ में ही यहाँ पे आता है। मैं DLF को सबसे ज़्यादा ट्रैक करता हूँ और DLF को मैंने कई बार रिकमेंड भी किया है अपने शोज़ में, और यहाँ पे भी आज भी मंथली अगर आप इसको देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल से मौजूद है, इंटैक्ट है इसका जो मोमेंटम जो लास्ट करीबन 340 रुपीज़ से बन के आया था वो अभी तक 478-480 के लेवल्स तक इंटैक्ट रहा है। और यहाँ से भी कोई भी ऐसा रिवर्सल या फिर ऐसी प्रॉफिट बुकिंग के कोई भी यहाँ पे इंडिकेशंस नहीं दिख रहे हैं टेक्निकल बेसिस पर। मेरा मानना है कि ये और फर्दर कंटिन्यूड होगा और मेरा मानना है DLF आपको आने वाले दिनों में 500 प्लस जाता हुआ दिखेगा, और जिनके पास में पोजीशन है डेफिनेटली उनको यहाँ पे होल्ड आउट करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें, आपने अभी लोधा डेवलपर्स का भी बोला, तो यहाँ पे 3-3.5% की जो आज बढ़त आई है वो एक कंसोलिडेशन के बाद हमको देखने को मिल रही है। वॉल्यूम्स टिपिकली थोड़े से लो हैं और मेरा मानना है कि लोधा के अंदर टिपिकली अगर आप देखोगे तो 1135 का एक लेवल जी, है जो राहुल हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस वक्त वित्त मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें कि वो अभी सरकार को जो 9 साल हो चुके हैं उसमें किस तरह की अचीवमेंट हुई है इस पर वो बात कर रही हैं। आइए आपको सीधे लेके चलते हैं, ये लाइव फीड वहां से आ रही है। हमें बिजनेसेस डोंट हैव टू डू सो मच फाइल वर्क, सो दोस डिटेल्स एग्जैक्टली ऑल दैट डन इन द 9 years ओनली। Then you go to 43, slide number 43 to slide number 46. You're talking about the cultural and inheritance, legacy, civilizational and those aspects what have been achieved in the 9 years. 47, slide number 47 is a single slide, but very important to understand what we have achieved in the renewable energy area. It's a major mile forward. In fact, it is a major achievement, if I may use that word. No country within the 9 years, comparable 9 years everywhere, has achieved as much as we have achieved in these 9 years in renewable energy. So you have the data given there. There is one slide on national security, but the following slides also will tell you what importance is given to national security and as a result what fallout we've had in other aspects related to national security. For instance, how because Prime Minister Modi has put terrorism as one of those which have to be roundly and squarely addressed. We have not had major incidents, border skirmishes apart, but you still in the mainland of the country, we've kept terrorism free by putting India first. And by putting India first, you also responded to by other countries, which has helped us to get our people, if they were held or stuck up because of COVID, no transport was moving. No communication was happening, but how did we bring all our students or young people or citizens who were caught up in different world parts of the world because COVID came and lockdown came in all in a sudden. So we managed to get them back. We managed to get people who were stuck up because of strife, local civil war or whatever, or because in countries our students went to study and there was a war, we had to bring them back. So although slide number 48 is one slide which relates to national security, there are some slides which tell you about how many people have been brought back safely to our country back again. Then
there are 49 and side 50 will talk about how defense, in the area of defense, we've achieved Atmanirbharta. We are procuring less from outside. We are manufacturing more ourselves and we are exporting a lot more ourselves. So that relates to it. And finally, 48, I said, is a national security slide. And then I stretched to say how our students are being brought back, citizens are being brought back. Slides 51 to 54 give you all the details about the number of people who have been brought back safely like that. And the हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसमें कि मोदी सरकार के पिछले जो 9 साल का परफॉर्मेंस रहा है रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में, और उनका ये भी कहना था कि देश में कोई बड़ी आतंकवादी गतिविधियां नहीं हुई हैं, और इसके अलावा लॉकडाउन को लेकर भी क्या प्रदर्शन रहा, क्या कोशिशें रही, इस पर वो बात कर रही थी। तो ये तो बात हुई ओवरऑल इकोनॉमी की, लेकिन हमने देखा कि इस बीच भारतीय बाजारों का प्रदर्शन भी काफ़ी शानदार रहा, और ज़्यादातर इमर्जिंग मार्केट की तुलना में भारतीय बाजारों का प्रदर्शन काफ़ी बेहतरीन रहा। और ऐसे में हमारी कुछ दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ भी बात हो रही है। जेफरीज के क्रिस वुड ने हमसे खास बातचीत में कहा कि अगले 5 साल में सेंसेक्स 1 लाख के पास भी पहुंच सकता है, लेकिन इसको समझने के लिए पहले ये भी समझना ज़रूरी होगा कि पिछले 5 सालों में भारतीय बाजारों का प्रदर्शन कैसा रहा, और उसको ट्रेंड को देखते हुए फिर आगे अगले आने वाले 5 साल कैसे रह सकते हैं, इस पर भी हमने एक पूरा रिसर्च किया है। और इस खास रिसर्च को लेकर हमारे साथ शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद, बताइए क्यों सेंसेक्स अगले 5 सालों में 1 लाख का हो सकता है? जी बिल्कुल, जो सेंसेक्स की जर्नी है 1 लाख तक, उसको जो है कैसे पूरी होगी उसकी पूरी कैलकुलेशन हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक क्या हुआ है, जो पिछले 5 साल में आप देख सकते हैं सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 35,000 लेवल से 62,000 लेवल्स पे गए हैं, तो क्या रहा है? अब 5 साल की EPS ग्रोथ देखें एवरेज में तो लगभग 12% का आया है, जो औसत पी है ऑलमोस्ट 19.8 टाइम्स पी रेशियो पे है, और जो 5 साल का CAGR ग्रोथ देखने मिला है वो % का देखने मिला। लेकिन अगला 5 साल क्या होने वाला है और 1 लाख का टारगेट सेंसेक्स का कैसे आएगा, उस पर बात करते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो EPS ग्रोथ का अनुमान है 15% का है, और अगर औसत पी की बात करें तो 20 टाइम्स रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो CAGR है, अगर सिर्फ 10% भी रहे, याद रखिए पिछला 5 साल का जो था 12%, अगर सिर्फ 10% भी रहे तो उसमें ग्रोथ देखने मिल सकती है। लेकिन क्रिस वुड जो है जेफरीज के, उन वो कौन से सेक्टर्स में बुलिश है, वो देखेंगे। यहाँ पे रियल एस्टेट, फाइनेंशियल्स और कंज्यूमर स्टेपल्स है, जहाँ पे जो एक्सपेक्टेड है कि सेंसेक्स को जो वो 1 लाख तक का लेवल्स को लेके जा सकते हैं। इसके अलावा कौन से कंपनीज हैं जो पिछले 5 साल में सबसे बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं और उसको लाते हैं स्क्रीन पे, तो यहाँ पे देखेंगे बजाज फाइनेंस टॉप पे है, 226% का ग्रोथ आया है। इसके अलावा ICICI बैंक में भी 200% का इजाफा आया है। टाइटन थर्ड आता है लिस्ट में, लगभग 200% का ग्रोथ यहाँ पे भी आया है। और बड़े जो वेटेज जिनका ज़्यादा है सेंसेक्स में, वो है रिलायंस, यहाँ पे 175% का ग्रोथ। और आखिर में HCL टेक जो पाँचवें आती है लिस्ट में, लगभग 150% का रिटर्न आया है। एब्सोल्युटली रिसर्च, शरद आपका शुक्रिया हम तक ये सारी रिसर्च पहुंचाने के लिए। और इस वक्त अगर आप देखें 62,884 पर सेंसेक्स खड़ा है, और मार्केट के एक्सपर्ट क्रिस वुड का मानना है कि 1 लाख का सेंसेक्स हो सकता है आने वाले 5 सालों में। राहुल, डिविएट हो रहे हैं हम इस वक्त ट्रेडिंग से, लेकिन कारण भी सीधा और साफ है। मार्केट में इतना ज़्यादा एक्शन हम देख रहे हैं, इतना सारा रिसर्च, इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज हमारे सामने है। इस बीच ऑफकोर्स ट्रेडिंग पर भी लगातार नज़र है, लेकिन मार्केट की ब्रेथ जो है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव होती हुई दिख रही है, और इस पर सिर्फ भारत का ही नहीं ओवरसीज मार्केट्स का भी भरोसा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब सेंसेक्स की अभी हम रिसर्च की बात कर रहे थे, इस बीच मिड कैप में जहाँ हम छोटे मोटे वाले शेयर्स की बात कर रहे हैं, राहुल बैंक्स फाइनेंशियल्स, क्योंकि आज का दिन तो बैंक निफ्टी के नाम है, और बैंक निफ्टी ने जिस तरह का नया रिकॉर्ड बनाया है, छोटी मजौली बैंक फाइनेंशियल्स पर भी हम एक्शन देख ही रहे हैं। ऑफ कोर्स पिछले हमने कुछ महीनों में अच्छे खासे ट्रेंड देखे, रिजल्ट्स स्पेसिफिक भी। मिड कैप प्लेस में बैंक फाइनेंशियल्स पर नजरिया क्या होगा, क्या वहां पर कोई ट्रेड्स बनते हुए, कोई स्टॉक्स आपके रेडार पर? जी बिल्कुल मानसी, और जो लाइक जो क्रिस वुड सर ने भी जो बात बोली है, और इनफैक्ट हमने जितने भी बड़े इकोनॉमिस्ट या कभी भी हमने बड़े स्तर पे जब लोगों से बात करी है, तो सभी का मानना है कि इंडिया पर्टिकुलरली अगले 5 से 10 साल बहुत अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ। और मेरा मानना है कहीं ना कहीं क्योंकि हमारा स्टॉक मार्केट इन सब्जी से बहुत ही पर्टिकुलरली रिलेट करता है, तो मार्केट्स भी लाइक आने वाले समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देके जाने वाले हैं। तो अभी भी मुझे लगता है कि इन भी हायर लेवल्स पे अगर कोई मार्केट में अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो ही शुड डू दैट, क्योंकि आने वाली जो ग्रोथ स्टोरी है इंडिया के लिए या इंडियन मार्केट्स के लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग है।
अब आता हूं मैं आपके फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक निफ्टी के बारे में। देखिए डेफिनेटली आज काफी अच्छा मूव बैंकिंग सेक्टर से मिला हुआ है या बैंकिंग से जुड़े हुए सेक्टर से मिला हुआ है। मैंने श्रीराम फाइनेंस को भी आपके साथ डिस्कस किया था जो कि 1404 के ऊपर काम कर रहा है। उसी के चलते अगर आप और भी स्टॉक्स देखेंगे तो वहाँ पे SBI लाइफ देखें या फिर ICICI प्रूफ देखें, इंश्योरेंस सेक्टर की जो पर्टिकुलर कंपनीज हैं वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट्स बनते हुए दिख रहे हैं। आप ICICI प्रू जो कि करीबन 460 के लेवल्स पे आसपास काम कर रहा है वहाँ पे भी आज बहुत ही शानदार अच्छी कैंडल बनी है, डबल बॉटम का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है टेक्निकल बेसिस पे। तो मेरा मानना है कि अभी जो 460 पे ट्रेड कर रहा है ICICI प्रू वो आपको बहुत जल्द करीबन 480-482 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे अपनी पोजिशन बना सकते हैं और जिनके पास में है वो डेफिनेटली उनको कैरी आउट करना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर हम प्लेस करने का देखें तो यहाँ पे को स्टॉप लॉस करीबन 450 के आसपास प्लेस करना चाहिए फॉर द टारगेट लेवल्स ऑफ 480 इन ICICI प्रू। ठीक है, तो ये है व्यू ICICI प्रूडेंशियल पर। लेकिन एक और स्टॉक आज फोकस में था, वो है ICICI लोम्बार्ड। यहाँ पर भी एक हम दमदार एक्शन देख रहे हैं और खबर आ रही है कि ICICI बैंक इसमें 4% हिस्सेदारी बढ़ाएगा। मार्च तक कंपनी में बैंक की जो हिस्सेदारी है वो 48% के पास हो जाएगी। स्टॉक में सुबह से ही तेजी है, इस पर 8.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। ये भी ICICI ग्रुप की कंपनी है। रोहित, माफ कीजिएगा राहुल, ICICI लोम्बार्ड में क्या सजेस्ट करेंगे आप? ये जो तेजी आज दिखी है और आगे तो और बड़े डेवलपमेंट हो सकते हैं स्टॉक में, शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर क्या लग रहा है आपको? करंट लेवल पर एंट्री ले लेनी चाहिए स्टॉक में? नहीं पूजा, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। हमने आज सेशन के शुरुआत के तो अभी देखा जब एक गैप अप ओपनिंग के साथ में खुला और वहाँ से एक करीबन 1255 रुपए का हाई बना चुका है और अभी मौजूदा स्तर पे 1190 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर या फिर कह सकते हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग ऑन दी हायर साइड मौजूद है। अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा ये होगा कि अगर ये 1150 या 1160 के लेवल्स को होल्ड आउट करके ऑन दी अपसाइड ही हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है तो जो टेक्निकल सेटअप बैठेगा वो वहाँ पे पॉजिटिव बैठेगा। फिर यहाँ से हमें 1 से 2 दिन इसको वॉचलिस्ट में रखना चाहिए। मेरा मानना है पोटेंशियल तो काफी ज्यादा रखा है स्टॉक के अंदर, पर आज पर्टिकुलरली जिस तरीके से गैप अप ओपनिंग हुई फिर वो जो हायर लेवल्स फॉर्म हुए वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखें। स्टॉक जब भी 1150 1160 के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव टेरिटरी में रहेगा, बट अभी इन मौजूदा स्तर पे मुझे नहीं लगता कि एंट्री लेवल के लिए यहाँ पे एकदम परफेक्ट पोजीशन पे प्लेस्ड है। वॉचलिस्ट में रखें स्टॉक को, ये राय राहुल की तरफ से मिलती हुई। लेकिन इस बीच चलिए अब वक्त हो चला है मिड कैप के महारथी शेयर्स जानने का। मिड कैप के महारथी में अपनी महारथी रेकमेंडेशन लेकर शेयर इंडिया के रवि सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून रवि, अपना समय देने के लिए शुक्रिया। बताइए कौन से स्टॉक्स हैं मिड कैप में आपके रेडार पर? देखिए मानसी जी, इस समय मार्केट पॉजिटिव है और ऐसे में मिड कैप के कुछ स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और आपके लोग बना सकते हैं। पहला स्टॉक है IRFC, इस समय 42,275 करोड़ का करीब मार्केट कैप है। 3 महीने में 20% चल चुका है लेकिन अभी भी नंबर्स यहाँ पर काफी अट्रैक्शन है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ यहाँ पर अच्छी देखने को मिली है, 6.5 के लगभग PE है, EPS 5.5 के पास है। तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर करंट लेवल से भी बाय करके एक बार 40-42 के लेवल आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं जो कि करीब 15-20% की रिटर्न तक आपको इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर इस स्टॉक को बाय करना चाहिए। दूसरे स्टॉक की बात करें तो डिफेंस सेक्टर से ये स्टॉक है BEL। इस समय मार्केट कैप के हिसाब से देखते हैं तो 81,000 करोड़ का करीब मार्केट कैप है और पी रेशियो देखते हैं तो 27 का है, PB रेशियो देखते हैं तो लगभग 5.25 का है और ओवरऑल इस समय ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट से काफ़ी अच्छा ये स्टॉक है। तो मुझे लगता है कि 125-135 के टारगेट बहुत जल्द अचीव कर सकता है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि काफ़ी धीरे धीरे चलता है लेकिन आपको अच्छा यहाँ पर जो है वो मूव देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है आप इसको यहाँ पर बाय करके अपने पोर्टफोलियो की चमक बढ़ा सकते हैं। तो इस पर डिफेंस और रेलवे दोनों ही इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर में है और उन दोनों ही स्पेस से दो स्टॉक आपको सुझाए गए, IRFC और BEL। यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं, टाइम फ्रेम और टारगेट्स भी आपको दे दिए हैं। रवि थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये रणनीति शेयर करने के लिए, और राहुल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति शेयर करने के लिए। तो फिलहाल मुझे और मानसी को दीजिए इजाजत, एक छोटे से ब्रेक।